आप कहते हैं कि ध्यान और प्रेम दो मार्ग हैं अध्यात्म में, कैसे जानूं कि मेरा मार्ग प्रेम यानी भक्ति का है या ध्यान का? प्रश्न प्रीतिकर है, हर व्यक्ति के प्राणों का प्रश्न है। निस्संदेह अध्यात्म जगत में सारे मार्गों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि दो ही मार्ग हैं अध्यात्म जगत में। एक मार्ग है ध्यान का और दूसरा मार्ग है प्रेम का। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हर व्यक्ति इस पृथ्वी पर मुख्य रूप से दो तलों पर जीता है। एक तल है बुद्धि का तल, जो आपके हेड से संबंधित है, और दूसरा तल है हृदय का तल, जो आपकी भावनाओं से, प्रेम से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सिर्फ बुद्धि से जीता है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सिर्फ हृदय से जीता है, बुद्धि का उपयोग करता ही नहीं। हर व्यक्ति इन्हीं दोनों आयामों में जीता है। तीसरा तल है आत्मा का तल। आत्मा के तल पे जीने का तो आपको कोई अनुभव ही नहीं है। कुछ व्यक्ति बुद्धि के तल पर जीते हैं, कुछ व्यक्ति हृदय के तल पर जीते हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धि के तल पर जीते हैं। इसका मतलब कुछ व्यक्ति बुद्धि प्रधान हैं, जो हर काम बुद्धि से ही करते हैं, हृदय से बहुत थोड़ा मोड़ा काम करते हैं, 5% 10%, ये बुद्धि प्रधान लोग हैं। तो बुद्धि प्रधान लोगों के लिए ध्यान का मार्ग है। मैं ध्यान पर ज़्यादा जोर इसलिए देता हूँ कि आज 90% से अधिक लोग बुद्धि के केंद्र से जीने लगे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी का एज आ गया है, बुद्धि प्रधान युग है, लोग हृदय की जगह बुद्धि से जीने लगे हैं। वो सब काम बुद्धि से करते हैं, वो प्रेम भी बुद्धि से करते हैं। लड़कियां अच्छी तरह कैलकुलेट कर लेती हैं कि लड़के की इनकम भी अच्छी है, पेरेंट्स भी अच्छे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, और इसके साथ मामला बन जाएगा तो फिर रानी की तरह रहूँगी। फिर सोचती हैं कि इससे प्रेम कर लेना ठीक है। यानी ये प्रेम बीज हुआ हृदय का नहीं बुद्धि का, जबकि प्रेम हृदय का मामला है, लेकिन बुद्धि से सोच विचार कर किया जा रहा है। तो मैं लड़कियों को ही नहीं कह रहा हूँ, सारे आदमी जिंदगी के सारे काम, मोर देन 90% ऑफ द पीपल, देयर लाइफ इज बींग डोमिनेटेड बाई देयर माइंड, नॉट बाई देयर हार्ट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो बुद्धि प्रधान लोग हैं उनके लिए जिंदगी को बदलने का, जिंदगी में परम आनंद को पैदा करने का मार्ग है ध्यान, और दूसरा तल है हृदय का। कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, कुछ लोग हैं जो हृदय से भी जीते, जो हृदय प्रधान है। विशेष रूप से लड़कियां, स्त्रियां, उनका हृदय पक्ष ज़्यादा सशक्त होता है। वो मेरे पास आते भी हैं, मुझे सुनते भी हैं, लेकिन जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान कम रहता है। उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि गुरुजी मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं गुरुजी के पास जाती हूँ तो गुरुजी कितना ध्यान देते हैं, मेरा ध्यान देना, मेरे पास होना उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो मेरे पास आते हैं। शायद जो मैं बोलता हूँ उसको वो उतना भले ही ना समझ पाते हों, लेकिन उनको मेरे पास आना, मेरे पास बैठना, मेरी बातें सुनना, मैं ध्यान से उनकी बातें सुन के उनके लिए अगर कुछ मेरे भीतर से निकलता है वो कहता हूँ, वो उनको ज़्यादा टच करता है। तो उनका हृदय इतना जागृत होने लगता है, वो इतना हृदय से जीते हैं कि मैंने जो कह दिया उस पर वो प्रश्न नहीं करते। गुरुदेव आपने कह दिया था, बस वो उनके लिए परमात्मा का वचन होगी, उस पर वो संदेह नहीं करते। तो जिनका हृदय मेरे प्रति इतना खुल गया है, इतना भाव से भर गया है, जो इतना मुझे आत्मसात करने लगे हैं, जिन्हें जरा सा संदेह होता ही नहीं है, बुद्धि बीच में आती ही नहीं है, उनके लिए ध्यान की ज़रूरत नहीं है। उनके पास, मेरे पास बैठ जाना, मुझे सुन लेना और मेरे भीतर से निकले हुए संदेश को, वचन को, भाव को उनके हृदय तक पहुंच जाना, इसी से उनकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात कहना बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझ लें, तभी सच्चे अर्थों में आप अध्यात्म का कुछ समझ सकेंगे। निस्संदेह दो ही मार्ग हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है
ध्यानी को प्रेम शून्य होना पड़ेगा, यानी ध्यान करने वाला प्रेम शून्य हो जाए ऐसा नहीं है, और प्रेम करने वाला व्यक्ति ध्यान से शून्य हो जाए ऐसा भी नहीं है। सिर्फ प्राथमिक चुनाव का मामला है, सिर्फ प्रारंभ कहाँ से करना है इतना ही इससे निर्धारित होगा। अगर आप बुद्धि प्रधान हैं तो आप ध्यान से शुरू करो, आपके लिए ध्यान अनिवार्य है, ध्यान से शुरू करो। और आप हृदय प्रधान हैं तो आप प्रेम से शुरू करो। और जो व्यक्ति ध्यान से शुरू करेगा, ध्यान करते करते उसका हृदय खुलने लगता है। ध्यान आपकी चेतना को बुद्धि से हृदय पर लाने की कला। अगर विचार प्रधान व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है तो उसकी चेतना हृदय पर आने लगती है ध्यान करते करते, और जब चेतना हृदय पर आती है तो प्रेम का फूल खिलने लगता है उसकी जिंदगी में। और ऐसा असंभव है कि व्यक्ति ध्यान करे और प्रेम उसकी जिंदगी में ना प्रकट हो। प्रेम तो प्रकट होने ही लगेगा, जो जितना ही ध्यान में आगे बढ़ेगा उतना ही सद्गुरु के प्रति भी प्रेम उसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसकी चेतना हृदय पर आने लगेगी। और जो व्यक्ति हृदय से शुरू करेगा, जो भाव प्रधान है, प्रेम प्रधान है, वो प्रेम से शुरू करेगा, वो प्रेम में और गहरे पहुंचता जाएगा, और उसके जिंदगी में भी ध्यान छाया की तरह आने लगेगा। जो ध्यान से शुरू करेगा उसकी जिंदगी में प्रेम छाया की तरह प्रकट होगा, जो प्रेम से शुरू करेगा उसकी जिंदगी में ध्यान छाया की तरह प्रकट होगा। प्रारंभ में दोनों अलग अलग हैं, आगे चलने पर दोनों एक हो जाते हैं, दोनों एक में मिल जाते हैं। मैं आपसे कहूँ अपनी अपनी रुझान से शुरू करो, वरना दोनों तुम्हारे दो पंख हैं। जैसे कोई पक्षी बिना दोनों पंखों के नहीं उड़ सकता है, वैसे अध्यात्म के जगत में तुम्हें ध्यान और प्रेम दोनों ही पंखों से उड़ना पड़ेगा। अंत में तुम्हारे दोनों पंख सक्रिय होंगे। अगर एक का ही उपयोग करोगे अपंग रह जाओगे, एक का उपयोग लेकिन शुरू करोगे दूसरा छाया की तरह पीछे पीछे चला आएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना सिर्फ हृदय से जीता है ना सिर्फ बुद्धि से जीता है, इसलिए मेरा मानना है कि जब तुम्हारे जीवन में ध्यान और प्रेम विकसित होने लगते हैं तो वास्तव में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटती है, तुम्हारी चेतना आत्मा की ओर सक्रिय होने लगती है। सबसे ऊपर का तल है बुद्धि का, उससे और गहरा तल है हृदय का, और उससे भी गहरा तल है आत्मा का। अगर जिंदगी में परम आनंद का फूल खिलना चाहते हो, जिंदगी में हर मनचाही मंजिल को पाना चाहते हो, तो अपनी चेतना को बुद्धि से हृदय, हृदय से आत्मा तक ले जाना होगा, और चेतना को आत्मा तक ले जाने के लिए ध्यान ही एकमात्र औषधि है। चाहे तुम हृदय प्रधान हो चाहे तुम बुद्धि प्रधान हो, ध्यान से शुरू करोगे तो हृदय पर जाओगे, और फिर हृदय से अगला स्टेप, अगली मंजिल आत्मा पर पहुंचोगे। और यही प्रक्रिया हृदय से आत्मा तक पहुंचने की है। हृदय पर आए बिना, प्रेम पर आए बिना तुम कभी आत्मा तक पहुंच नहीं सकते हो, क्योंकि बुद्धि से आत्मा तक और गहरे नाभि केंद्र के पास तक जाने के लिए हृदय से होकर गुजरना पड़ेगा। बिना हृदय से गुजरे, बिना जिंदगी में प्रेम के प्रकट हुए, तुम आत्मा तक यानी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए इस तरह की सीमित धारणाओं को गिरा दो। अगर तुम प्रेम का अभ्यास करते रहे और सारी दुनिया से मिल गए लेकिन स्वयं से नहीं मिले, तब तुम आत्मतृप्ति से वंचित रह जाओगे। तुम चाहे जितना बाहर के जगत से मिल लो, अगर तुम्हारी स्वयं से मुलाकात नहीं हो सकी
तो तुम अतृप्त रह जाओगे जिंदगी में। इसीलिए इस दुनिया में सारे लोग लाखों लोगों से संबंध बाहर की दुनिया में जोड़ लेते हैं लेकिन अतृप्त मरते हैं। और ध्यान के माध्यम से तुम स्वयं से तो संबंध जोड़ लिए और सारी दुनिया से तुम्हारा अस्तित्व से तुम्हारा संबंध ना रहा तो तुम अस्तित्व के प्रेम से उसके संबंध से वंचित हो जाओगे, तुम अधूरे रह जाओगे। तुम्हें पूरा पूरा होना है, स्वयं से मिलना और फिर सारी दुनिया के साथ के प्रति प्रेम से भर जाना, सारे अस्तित्व के साथ एक हो जाना, यही अध्यात्म का लक्ष्य है, यही अध्यात्म का प्राण है। इसे मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये समझ लेना कि ध्यान और प्रेम दोनों ही एकमात्र आयाम हैं। शुरू चाहे जहाँ से करो, अंत में दोनों ही तुम्हारी जिंदगी में प्रकट होते हैं और एक के प्रकट हुए बिना दूसरे का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप और गहरे जाओगे तो आपकी जिंदगी में, आपके अनुभव में दोनों का मिलन होना अनिवार्य है। इसीलिए मैं भगवान बुद्ध के एक छोटे से प्रकरण से अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। भगवान बुद्ध के जीवन की एक बड़ी प्रीतिकर कथा है। भगवान बुद्ध अपने हर सत्संग में एक बात कहा करते थे कि तुम ध्यान के लिए बैठना और घंटे भर बैठना ध्यान में, और जब घंटे भर बाद जो ध्यान के आनंद का गहन अनुभव होगा, ध्यान से उठने के पहले उस आनंद के अनुभव को भाव करना, ऐसा भाव करना कि इस संपूर्ण जगत को वह आनंद बंट जाए, वो आपका सारा आनंद सारे जगत में बंट जाए, इस पृथ्वी के सारे लोगों को, संपूर्ण अस्तित्व को उस आनंद का लाभ मिल जाए। इसी प्रार्थना के साथ ध्यान से उनके शिष्य उठा करते थे, हर सत्संग में वो ये बात कहते थे। एक सत्संग में जब ये बात उन्होंने कही तो आप में से एक व्यक्ति उठा और वो कहता है, गुरुदेव मैं इतनी तो प्रार्थना कर सकता हूँ कि मेरा ध्यान का आनंद दुनिया के सभी लोगों को मिले, लेकिन एक कमबख्त मेरा पड़ोसी है उसको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे ध्यान के आनंद का एक तिनका भी उस हरामखोर को मिल जाए और मैं सारी दुनिया को मेरा आनंद बढ़ जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्रभु मैं इतना अपवाद चाहता हूँ, इस अपवाद की अनुमति दे दे कि मैं ये भाव करूँ कि मेरे पड़ोसी को छोड़कर से सारे लोगों को मिल जाए। तो भगवान बुद्ध ने उसे बैठाया और कहा, तो मेरा सिद्धांत सिर्फ इतना है कि सारी दुनिया को मिले। तुम्हारे लिए तुम्हारा पड़ोसी ही सारी दुनिया हो गया है, तुम्हारे लिए तुम्हारा पड़ोसी ही सारी दुनिया हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम्हारा ध्यान तभी सफल होगा जब तुम ध्यान का जो आनंद तुम्हें मिलेगा ध्यान से उठने के बाद, तुम इस प्रार्थना के साथ उठोगे कि ये सारा का सारा आनंद मेरे पड़ोसी को मिल जाए, सारी दुनिया से मेरा कोई मतलब नहीं। तो जब तुम्हारा स्वयं से संबंध बनता है, ध्यान से, ध्यान आपका आपसे मिलन कराता है और प्रेम आपका संपूर्ण जगत से, संपूर्ण अस्तित्व से मिलन कराता है, और जब ये दोनों घटना घटती है तब तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हो। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है उसकी संभावना है कि वह स्वयं से अपने मिलन को इस जीवन में अर्थी निकलने के पहले साकार करे और फिर अपना प्रेम संपूर्ण जगत के साथ व्यापक रूप से फैलने दे। अब यह काम बहुत आसान है, अब इसके लिए कई जन्मों की ज़रूरत नहीं। इसके लिए अगर आपके भीतर जितनी तीव्रता है, जितनी त्वरा है, जितनी प्यास, उतना ही जल्दी ये 6 महीने, साल भर, 2 साल, जितनी जिसकी त्वरा उतना जल्दी उसको उपलब्ध हो सकता है।